18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दो इंस्ट्रक्शन दिए थे एनटीए को। सबसे पहला कि आप सारे बच्चों का रिजल्ट सिटी वाइज सेंटर वाइज पब्लिक करो, तो वो एनटीए ने ऑलरेडी पब्लिक कर दिया exam.nta.ac.in/neet पे। मैं ये रिजल्ट आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा। दूसरा चीज उन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है वो भी सबमिट कराया जाए सुप्रीम कोर्ट को। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीजों पे चर्चा करेंगे और समझेंगे रीनीट की क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है। सबसे पहला, जब आप रिजल्ट को देखोगे तो रिजल्ट को जो ज्यादातर बच्चे कहाँ पे फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे झारखंड में। अगर हम देख लेते हैं जो सेंटर जहां पे पेपर लीक हुआ है हजारीबाग में, हजारीबाग में ओएसएस स्कूल। तो जब आप ये पूरा रिजल्ट और डेटा एनालिटिक्स देखोगे, दूसरे सेंटर के साथ कंपेयर करोगे, तो कोई मेजर स्पाइक आपको देखने को नहीं मिलेगा कि अरे हाँ इस सेंटर पे ज्यादातर बच्चों को 600+ मार्क्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद से भी देख लीजिएगा। और दूसरा, जब आप पटना के भी सारे सेंटर्स को देखोगे, आप बिहार में चले जाओ और पटना के भी सारे सेंटर्स को जब आप देखोगे, पटना में 10 सेंटर्स हैं, तो वहां पे भी आपको कुछ एनोमली मेजर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बट जो सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछती है वाइड लेवल पेपर लीक के, मतलब कि सबके पास पेपर है, वैसा आपको बिहार और आपके हजारीबाग में देखने को नहीं मिलता, जहां पे ज्यादा चर्चाएं की जा रही है पेपर लीक की। पहला पॉइंट ये हो गया। तो इससे जो निष्कर्ष पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये पहुंचे कि हाँ ठीक है, दो सेंटर्स पे अगर एनोमलीज हुई है तो उन दो सेंटर्स पे री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, या अगर हम सारे एक्यूज को बिना री एग्जाम कंडक्ट कराए पकड़ सकते हैं तो फिर उस पे जजमेंट पास कर दिया जाएगा कि इतने बच्चों को डिबार कर दिया जाए। दूसरा जो मेजर मुद्दा था कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में क्या लिखा है। देखो ऑनेस्टली, मेरे पास इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो नहीं है। मेरे पास जो व्हाट्सएप से सर्कुलेटेड रिपोर्ट आया है या किसी बच्चे ने भेजा है या इंटरनली जो मैंने पता करने की कोशिश की, तो उस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने भी ये बात तो एडमिट किया है कि उनको पटना से लीक्ड पेपर मिले। दूसरा, उन्होंने भी ये टाइम नहीं बताया कि पेपर लीक एक्चुअली कब हुआ है। अगर एनटीए ये सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कर देता है कि पेपर लीक, जैसा वो सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहे हैं कि सुबह के टाइम पे 5th को हुआ है, तब तो आप 100% समझ लो कि री नीट एग्जाम नहीं होगा। और अभी भी यही पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि री एग्जाम नहीं ही होगा। तो अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो फोकस वे में अपनी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं एड्रेस कर देना चाहता हूं बेटा, हम इस डेटा को अच्छे से खंगाल रहे हैं, मेरी पूरी टीम आज और कल लगी हुई है इस पे खंगालने की। अगर हमको सेंटर वाइज कोई रैंडम सेंटर में स्पाइक्स दिखता है ना, तब फिर यह भी स्थापित हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेंटर पे शायद ग्रेस मार्क्स और दिए, जैसे आपका बहादुरगढ़ वाले सेंटर पे हुआ था। तो हम उस डेटा को भी खंगाल रहे हैं, बट इतने सारे सेंटर से इतना नंबर है, मेरी छोटी सी टीम है, तो कम से कम 2 दिन हमें लगेंगे इस डेटा को निकालने में, और हमारे पास उतना टाइम है भी। मंडे को सुप्रीम कोर्ट जब रीनीट के अगेंस्ट डिसीजन देगी तो उसके बाद हम रीनीट वाली पिटीशन को फॉरवर्ड मूव करेंगे और मंडे को ही रीपब्लिश रिजल्ट कराने की सुनवाई हम कराने की कोशिश करेंगे, जिसमें ओएमआर वर्सेस मार्क्स वाला रिजल्ट को रीपब्लिश कराने की कोशिश की जाएगी, अगर हमें इसमें कुछ सब्सटेंशियल डेटा मिल जाता है। अगर इस रिजल्ट में हमें कोई भी डेटा कुछ ऐसा नहीं मिल जाता तो हमें ये जहर का घोट पी के ये मानना पड़ जाएगा कि एक्चुअली में लोगों ने पढ़ के इतना नंबर लाया है, जो अनरियलिस्टिक है ऑनेस्टली। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हुआ है बट हमें पता नहीं चल पा रहा है, तो बट हमें ये मान के मूव ऑन करना पड़ जाएगा कि एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ है और हमें अगले साल की तैयारी करनी पड़ेगी। नीट 2025 की भी जब बात कर रहे हैं तो कुछ बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा नीट 2025 में। क्या वो बदलाव हो सकते हैं उस पर आज एक रिपोर्ट मैंने बनाई है और उस पर भी एक वीडियो आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। तो इस चैनल पे बने रहिएगा और मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा कि कैसे बिना पैनिक किए आप अगले साल की तैयारी कर पाएंगे ये चेंजेस होते होते भी। ठीक है, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।